नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में गौरव दिवस के समापन पर आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। गौरव दिवस आयोजन की श्रृंखला में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वेंकट भवन में राष्ट्रीय संगीत का आयोजन हुआ, जहां शास्त्रीय संगीत व भजन की यादगार प्रस्तुतियां दी गई। वहीं बैडमिंटन, क्रिकेट सहित अन्य खेलों का आयोजन भी किया गया। इसी कड़ी में राज कपूर ऑडिटोरियम में जाने माने सूफी गायक का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभावान छात्राओं को पुरस्कार भी दिए गए। आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि गौरव दिवस के समापन के अवसर पर 25 तारीख को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंचकर आनंद लेने की बात कही। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रमों की झलकियां और सुनाते हैं कलेक्टर ने क्या अपील की। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। गौरव दिवस के अवसर पर पिछले एक सप्ताह से विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। आज वेंकट क्लब में भी कार्यक्रम था, चिरौला मंदिर में भी कार्यक्रम था, यहाँ ऑडिटोरियम में भी बॉलीवुड के अच्छे सिंगर हैं अनिल श्रीवास्तव, उनका कार्यक्रम था। कल 25 तारीख को ऑडिटोरियम में कथक का कार्यक्रम है और भारती बंधु जो पद्म श्री से अवार्डी हैं और महान सूफी गायक हैं, उनका भी गायन है। बहुत अच्छा कबीर के और सूफियाना उनका गायन है। तो सभी से निवेदन है कि कल शाम के कार्यक्रम में ज़रूर शिरकत करें। रीवा नगर के गौरव दिवस के अवसर पर पिछले एक सप्ताह से कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसको अच्छा एंजॉय किया। कुछ बच्चों को वो दिया गया पुरस्कार, इसमें स्कूल्स में कॉलेजेस में विभिन्न तरह की गतिविधियां की गई हैं और उसमें जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। कल भी इस तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। हम लोगों ने कोशिश की है कि गौरव दिवस के अंतर्गत स्पोर्ट्स की, गेम्स की, पढ़ाई की, पेंटिंग की, रंगोली की, अलग अलग तरह की गतिविधियाँ की जाए और उन सभी में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है।